जबलपुर में शुक्रवार की सुबह कैंट थाना अंतर्गत मुर्गी मैदान में एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। थोड़ी ही देर में क्षेत्रीय लोग वहां पर जमा हो गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर कैंट थाना पुलिस और SP सिद्धार्थ बहुगुणा भी मुर्गी मैदान पहुंच गए। मृतक के सर में गहरे घाव के निशान मिले हैं और नजदीक ही भारी पत्थर मिला है, जिसे आशंका जताई जा रही है कि भारी पत्थर सर पर पटक कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। लाश के पास ही शराब की खाली बोतलें, पानी के पाउच मिले हैं, जिससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि शराब पीने के बाद कुछ लोगों में आपसी विवाद हुआ होगा और इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर मृतक की पहचान अरविंद राजपूत के तौर पर की गई है, जो कि जबलपुर नगर निगम का कर्मचारी है। देर शाम को अरविंद राजपूत घर से निकला था और उसके बाद वह घर नहीं पहुंचा। तब से उसके परिजन उसे खोज रहे थे। परिजनों ने लाश की पहचान कर ली है। हालांकि अभी यह बात साफ नहीं हो पाई है कि अरविंद राजपूत मुर्गी मैदान कैसे पहुंचा और उसकी हत्या की वजह क्या है। पुलिस अधिकारी आसपास के लोगों से इस संबंध में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है। ये सदर का मुर्गी मैदान है, यहाँ पे ये उल्टा पड़ा हुआ मिला है। ऐसा लग रहा है कि पत्थर पटक के इसके सिर पे इसकी हत्या हो गई। अभी इसकी शिनाख्त का प्रयास चल रहा है। एज क्या होगी? एज 45 से 50 साल लग रही है देखने से। कुछ मिला है, डायरी मिली है? हाँ, एक नगर निगम पालिका वाली, नगर पालिका वाली एक डायरी मिली है, तो उसके आधार पे देख रहे हैं कि उसकी है या किसी और की। अभी उसके लिए प्रयास जारी है अपने। शराबखोरी को लेकर हुई है? हो सकता है कुछ बोतल और गिलास दिख रहे हैं, तो शराबखोरी को नशे में भी हो सकती है। एक थाना कैंट क्षेत्रांतर्गत मुर्गी मैदान एक ओपन ग्राउंड है। यहाँ पे एक करीबन 40 से 45 वर्षीय व्यक्ति की एक शव मिला है, जिसमें प्रथम दृष्टया इसमें हत्या का अपराध होना लग रहा है। इसमें शिनाख्त के प्रयास जारी हैं और केस रजिस्टर करके आगे विचना की जाएगी। सिर पे चोट के निशान है? जी, सिर पे चोट के निशान है। ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया पत्थर से इनके सिर पे मारा गया। कुछ है अभी उसी, वही अभी वेरीफाई कर रहे हैं। एक बार वेरीफाई हो जाएगा तो फिर शिनाख्त कन्फर्म हो जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।